हेलो एवरीवन, तो मैं अपने पिछले वीडियो में ये वाली डिज़ाइन बनाना बताई हूँ और उसके पिछले वीडियो में ये वाली, ये दोनों की डिज़ाइन की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। और आज मैं ये वाली डिज़ाइन को कलर करना बता रही हूँ। तो ना सबसे पहले मैं बेस बना रही हूँ, तो आज ना मैं राउंड ब्रश से, ये 6 नंबर का राउंड ब्रश है, इससे ट्राई कर रही थी। डॉम्स का है ये राउंड ब्रश, तो इससे ना सबसे पहले मैं ऐसे पानी लगा लूँगी कपड़े में, सादा पानी लगाऊंगी। और फिर उसके बाद ये ग्रे कलर से ना मैं कर रही थी, मगर ये सही नहीं बना। जैसा मैं अपने पिछले वीडियो में बताई हूँ मेकअप ब्रश से, उससे बहुत अच्छा बना था, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, वो सही बना था, ये ज़्यादा सही नहीं बना। और फिर इसको कलर लेके फिर इस तरीके से हम लोग मिक्स करेंगे। और ये लीफ मैं बना रही हूँ, तो ये लीफ के लिए ना मैं लाइट ब्लू कलर है, इससे पूरी लीफ को पहले कंप्लीट फिल कर ली हूँ। फिर उसके ऊपर ना ये अल्ट्रा मराइन ब्लू करके है इसका नाम, ये वाले ब्लू से शेड दे रही हूँ। तो सबसे पहले लीफ के बीच में से हम लोग हाफ करके एक साइड शेड देंगे, फिर वही शेड को हम लोग अपोजिट साइड में देंगे, जैसा कि मैं बता रही हूँ वीडियो में। तो इससे मैं शेड दी हूँ और ये मैं ना शेड अपना 1 नंबर के फ्लैट ब्रश से कर रही हूँ। फिर इसके एक साइड पे मैं वाइट कलर लगाऊंगी। और माशाल्लाह से मेरे 71 सब्सक्राइबर हो गए हैं, जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया उसके लिए मेरा उनको स्पेशल थैंक्स। और अगर आप लोग भी पेंटिंग करना चाहते हैं घर पे, तो उसके लिए क्या क्या ज़रूरी है सामान, उसके वीडियो भी मैं बनाई हूँ, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। बस ये इसी तरीके से हम लोग अपनी लीफ कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए ब्रश भी गिर गया था मुझसे ट्राईपॉड में लग के। Thank you.
मैं अपने फ्लावर के पेटल्स के लिए सबसे पहले ना इसके ऊपर मैं बेस कर लूँगी वाइट कलर से, और उसके बाद ना ये हाफ साइड में मैं ऑरेंज कलर लगाई हूँ, और ये हाफ साइड में ना इसका कलर का नाम तो मुझे मालूम नहीं, ये ना तरबूजी जैसा कलर था, तो हाफ साइड में मैं वो लगाई हूँ। ये मैं अपने मन से ट्राई कर रही थी कोई फ्लावर, कमेंट करके बताना ये कैसा बना है। ब्रश के ना कॉर्नर पे हम लोग लेके लगाएंगे तो वो अच्छे से बनेगा। और उसको एकदम अच्छे से मिक्स करना है, ब्लेंड करना है कि कोई ऐसा रखा हुआ नहीं लगे, उसको एकदम अच्छे से उसकी शेडिंग मिक्स कर देंगे हम लोग। सेकेंड पेटल्स में भी मैंने पहले वाइट कलर से बेस लगा के फिर उसको ब्रश को ना सिर्फ कपड़े से पोंछ के, धूली नहीं हूँ, सिर्फ कपड़े से पोंछ करके फिर अब इस पर कलर लगा रही हूँ। तो जिस तरफ हम लोग ऑरेंज लगाए ना, तो उसके बाजू वाली पेटल्स में हम लोग वो जो तरबूजी कलर है ना वो वाला लगाएंगे, ऑरेंज की तरफ ऑरेंज नहीं लगाना, वरना उससे वो एक जैसा दिखेगा, अलग अलग लीफ दिखाई, अलग अलग पत्ती दिखेगी नहीं। फिर ये ना अब कलर वाइट वाला सूख गया था तो वो मिक्स नहीं हो रहा था, तो मैं फिर उसको ब्रश को पानी में भिगा करके फिर कपड़े से हल्का सा पानी उसका सूखा करके फिर उससे मिक्स कर रही हूँ ना, तो देखिए वो हो जा रहा है। और ये मेरा कपड़ा ना कॉटन, हल्का कॉटन मिक्स पे ही है वाइट कलर का। ये ना मुझे पत्ती ना थोड़ा सिंपल वो लग रही थी, खाली खाली, तो मैं इसमें ना फिर बीच में येलो डाल दी, और येलो को भी हम लोग अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसी तरीके से हम लोग अपनी फ्लावर की सारी पेटल्स कंप्लीट कर लेंगे। अगर आप लोग ये डिज़ाइन ट्राई करेंगे बना के, तो मैं अपनी इंस्टाग्राम आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, उस पर अपने बनाए हो उसकी पिक डालना, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में वो ज़रूर दिखाऊँगी।
आप फ्लावर का जो सेंटर है उसमें ना मैं पहले ये लाइट ग्रीन कलर से पूरा फिल करके वन नंबर के फ्लैट ब्रश से ही फिल कर ली हूँ। और अब उसके बाद ना ये 000 वाला ब्रश है कैमल कंपनी का राउंड ब्रश, तो उससे मैं बीच में थोड़ा सा ना ब्राउन कलर शेड देना चाह रही थी और ना ये किनारे वो बीच वाला जो राउंड है उसको हाईलाइट करने के लिए किनारे हल्का सा ब्राउन लगा के फिर उसको अच्छे से सब ना हम लोग मिक्स कर देंगे, मतलब वो लाइन को अच्छे से ब्लेंड कर देंगे कि हार्श लाइन नहीं दिखे। ये अब मैं ना सबको अच्छे से कम पूरा मिक्स कर रही हूँ। और ये मैं वापस ना 000 राउंड ब्रश से इसको ना लीव के बीच में एकदम डार्क ब्लू कलर से मैं बीच में से लाइनिंग कर दूंगी। इससे लीफ हमारी देखिए बहुत प्यारी लग रही है। प्लीज़ कमेंट करके बताना आप लोगों को डिज़ाइन कैसी लगी।